हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो बहुत दिन हो गए थे, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि जो डेवलपमेंट और सपोर्ट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आईटी में उनको, उनकी अभी फ्रेश ज्वाइनिंग है, उन्हें बोला गया कि आप जो है सपोर्ट टीम में हो। तो सपोर्ट टीम का सुन के उनके मन में जो है डिफरेंट टाइप के डाउट्स आते हैं कि सपोर्ट में क्या काम होता है, क्या वो आईटी से रिलेटेड काम होता है कि नहीं, और जो बेसिक आईटी का स्ट्रक्चर है कि डेवलपमेंट में क्या होता है या सपोर्ट टीम में क्या होता है, उससे जुड़े हुए वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो पूरा बताना, अगर बहुत ही डिटेल में बताने जाओ तो बहुत ही ये अपने आप में ये जो पूरी हायरार्की है बहुत लंबी होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको जो बेसिक डिफरेंस है जो कि डेवलपमेंट या सपोर्ट टाइप के वर्क में है, वो आपको समझा दूं, और जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि किस टाइप का काम आईटी में होता है, और अगर आप जो डेवलपमेंट टीम में हो तो किस टाइप का काम आप मोस्ट प्रोबेबली कर रहे होगे, और अगर आप सपोर्ट टीम में हो तो किस टाइप का काम जो है वो आप ज़्यादातर टाइम कर रहे होगे। अगेन, ऐसा हो सकता है कि कई बार जो है आप डिवेलपमेंट में हो लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिले, या सपोर्ट में आपको जो मैं बताने लगा उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिले, वैसा हो सकता है। क्योंकि अगेन, जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन बहुत से जो मेजोरिटी ऑफ जो एटलीस्ट एमएनसीज हैं, उनमें तो आपको ये सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। आईटी में दो, अगर मैं मोटा मोटा सबको डिवाइड करना चाहूँ तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, डिवेलपमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत से होते हैं अलग, अगर मैं बोलूँ तो सेल्स जैसे हो गया, वो एक अलग डिपार्टमेंट या अलग एरिया है समझ लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जो डेवलपमेंट एंड सपोर्ट की बात करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें उसकी बात जो है इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो अब जो है डेवलपमेंट जो है उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो आईटी में अगर आपको कोई बोल रहा है कि डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन टाइप का आपका काम है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटा मोटा आप जो है डेवलपमेंट टाइप का काम करने वाले हैं। अब ये डेवलपमेंट टाइप के जो काम है उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आप जो है एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, या आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, या जो है आप कुछ गेम वगैरह गेम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। तो ये सारे जो है मोटे मोटे जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कैटेगरी है। और हाँ, इसमें एक चीज और जो हो गया, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उसको मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही अज्यूम किया है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं दिखाया। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपका हो सकता है आप डेस्कटॉप के लिए कर रहे हो, या जो है आप मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी कर सकते हो। सिमिलरली, वेब एप्लीकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप वेबसाइट वगैरह बना रहे होगे। गेम डेवलपमेंट इज अगेन वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप जो है गेम वगैरह बना रहे होगे। अब आते हैं कि ये जो एक डेवलपमेंट का वर्क है, इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो अगेन, ये बहुत हाई लेवल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, या एप्लीकेशन हो, या आपकी वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, या गेम हो, ये सब बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट जिसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपका हो गया प्रोडक्ट ओनर। अब जो है प्रोडक्ट ओनर कस्टमर भी होता है, मोस्टली जो कस्टमर होगा, कस्टमर की साइड से भी एक प्रोडक्ट ओनर का रोल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका आईटी में भी एक जो है प्रोडक्ट ओनर होगा, तो उसको पूरे जो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है पर्पस क्या है प्रोडक्ट को बनाने का, और ये जो पूरा जो आउटकम है इस प्रोडक्ट से वो क्या निकलना है, और वो जो है बेसिकली उसको सारी इन्स एंड आउट्स प्रोडक्ट की पता होती है, और वही एक्सेप्ट करता है कि ये जो प्रोडक्ट है जैसा डिटरमाइन किया गया था, जैसा ज्यूम किया गया था, वैसा बन गया है कि नहीं। अब ये जो प्रोडक्ट ओनर है वो सारी की सारी डिस्कशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो, वो प्रोडक्ट ओनर ही आंसर करता है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ओनर। उसके बाद आता है, अगर अब प्रोडक्ट की अगर फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ गया, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले आपका होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर होगा, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इंश्योर करता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट है उसकी जो टाइमलाइन है वो मीट हो। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिर्फ और सिर्फ काम इतना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल जो टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी डिपेंडेंसी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में नहीं हो। और उसके बाद जैसे ही जैसे 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 आप प्रोजेक्ट को आपका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है वो बढ़ता जाता है, ही इंश्योर्स की सारी चीजें ट्रैक पे हो। कोई डिपेंडेंसीज है तो उसको हटाता है, कोई अप्रूवल चाहिए, कोई इंटरनल एक्सटर्नल जो चीजें फंसी हुई है, वो सारी जो अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उस प्रोजेक्ट का पूरा टोटल कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे किसी भी एम्प्लॉय को, उस जो उस प्रोजेक्ट में ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको चाहे उसका रिप्लेसमेंट ले सकता है,
या उसको अगर लगे कोई एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है हमें, तो वो उस टाइप के जो है प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स वगैरह अपने जो प्रोजेक्ट में ले सकता है या फिर निकाल भी सकते हैं अगेन अगर किसी की परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है बेसिकली टू इंश्योर कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे शुरू हो रही है एंड गो ग्रीन हम बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट है जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो सारी मीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में आते हैं और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट फेज में आता है। तो जब तक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके क्लोजर तक ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो अब प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन वगैरह स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो अब प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं या जैसे एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सब रिक्वायरमेंट कौन डिस्कस करता है। तो इसके लिए दोस्तों रोल आता है बिजनेस एनालिस्ट का। तो बिजनेस एनालिस्ट है वो बताता है, वो कस्टमर से बात करता है या जो प्रोडक्ट ओनर होता है उनसे डिस्कशंस करता है और जो अंडरस्टैंडिंग है जो भी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है वो लेकर आता है। और जो प्रोडक्ट जो है बनाने का पर्पस या एप्लीकेशन या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पूरा जो पर्पस समझता है, फिर उनकी जो है जो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट देता है उसको जो है पूरा नोट डाउन करता है और उसको फिर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जो है समझाता है डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लैसे कोई बैंक की एप्लीकेशन बनानी है, तो उस बैंकिंग की एप्लीकेशन के लिए कस्टमर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है वो सारा डिस्कशन जो है बिजनेस एनालिस्ट वो डिस्कस करता है कस्टमर से और उसको फिर राइटिंग में सब कुछ जो है फॉर्मलाइज करता है और उसके बाद कस्टमर का अप्रूवल लेता है। उसके बाद जो है ये जो जो डॉक्यूमेंट है वो बन जाता है आपका काइंड ऑफ डिलीवरेबल की ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट बन जाती है जो कि दी जाती है फिर उसके बाद डिजाइनर या फिर डेवलपर को। ठीक है, तो डिजाइनर अगर जैसे एप्लीकेशन या वेबसाइट या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें डिजाइनर का रोल आता है। वो समझता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जो भी बिजनेस एनालिस्ट लेकर आया उसके हिसाब से वो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद है वो डिजाइनिंग अगेन जो है वो कस्टमर अप्रूवल के लिए जाता है, कस्टमर से इज ओके, उसके बाद जो है डिजाइनिंग का काम कंप्लीट होता है। तो डेवलपमेंट जो है कोडिंग एक्चुअल कोडिंग से पहले जो डिजाइनिंग वाला काम किया जाता है ताकि एक बार आपका जो डिजाइन फ्रीज हो जाए तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट का काम काफी आसानी से स्मूथली चल सकता है। अब जो डेवलपमेंट है ये जो है बहुत से लोग हैं वो डेवलपर्स बनना चाहते हैं, उन्हें जो है प्रोग्रामिंग करनी होती है तो जो है ये फील्ड उनके लिए है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 99% ऑफ द टाइम या एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम जो है आप कोडिंग कर रहे होगे या जो है बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ यू नो एप्लीकेशन के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो बना रहे होंगे। एक एप्लीकेशन में हो सकता है दोस्तों जैसे उसके 50 हो या सैकड़ों हो सकता है जो एक्शंस हो। जैसे कि कोई भी एक बेसिक एप्लीकेशन ले लेते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन है तो बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन का फीचर होता है, आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो, आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो, आप और भी डिफरेंट टाइप के जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इस पे जो डेवलपमेंट टीम काम करती है, अगेन डेवलपमेंट टीम के अंदर जो है काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है हो सकता है जो डेवलपमेंट टीम हो वो 50 से 100 बंदों की हो या इससे भी बड़ी टीम जो डेवलपमेंट टीम हो सकती है। और जो हर कोई है वो एक ना एक जो डिफरेंट पार्ट जो प्रोडक्ट का होता है उस पर काम कर रहा होता है, तो वो सारा काम जो है डेवलपमेंट टीम का है। फिर एक बार डेवलपमेंट टीम ने जब डेवलपमेंट कर लिया तो उसके बाद जो है वो कोड आगे टेस्टिंग टीम को दे देते हैं। टेस्टिंग का मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन टेस्टिंग एंड क्वालिटी एंड एश्योरेंस आप सब कुछ समझ सकते हो कि ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो आपके जो प्रोडक्ट जो है उसकी टेस्टिंग होती है और फिर उस जितने भी बग्स वगैरह हैं वो वापस डेवलपमेंट टीम को बताए जाते हैं, डेवलपमेंट टीम वापस उनको फिक्स करती है और क्वालिटी टीम का फिर चेक लगता है कि हाँ जो प्रोडक्ट है जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई थी या जो भी बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेकर आया था उसके अकॉर्डिंग ही है, प्रोडक्ट में कोई बग नहीं है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए चला जाता है। तो एक बार डिप्लॉयमेंट हो गया या डिप्लॉयमेंट का जो काम होता है, जो डिप्लॉयमेंट का काम होता है वो बेसिकली डेवलपमेंट टीम और जो ऑपरेशंस टीम है वो मिलके करती है क्योंकि ऑपरेशंस टीम को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया नहीं होता है। और जो प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जब जाता है तो ये जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट है उसमें दोनों टीमें इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में ऑपरेशंस टीम का। अब इसको मैं ऑपरेशंस बोल रहा हूँ लेकिन बहुत से लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं, बहुत से लोग इसको मेंटेनेंस बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हो इसको मोटा मोटा जो है आईटी ऑपरेशन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस काइंड ऑफ जो है इनको बोला जाता है।
तो इसमें अगेन आप आईटी में जब आते हो आपको ये रोल जो है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सपोर्ट का मिल सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो बहुत अच्छी होती है और ऑपरेशंस एंड सपोर्ट टीम है जो वो जो काम होता है बेकार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन जैसे एक गाड़ी है उसके जो है चार पहिए होते हैं और हर जो चारों पहिए मिलकर ही फिर जो है गाड़ी को चला पाते हैं। अगेन गाड़ी में जो है गाड़ी में भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे गाड़ी में इंजन होता है, गाड़ी में फिर उसके बाद व्हील्स हैं और भी बहुत सी फंक्शनैलिटी हैं और आपको सब जो हर चीज़ है उसका एक अलग अलग पर्पस होता है। तो आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि यार जो ये चीज़ है वो उसकी वैल्यू कम है या ये चीज़ है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओवरऑल जब हम कार की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें जब एक अच्छे से फंक्शन करेगी तभी जो है आपके आपका जो गाड़ी जो है सही चलेगी। तो ऐसे ही ये सिर्फ मेरी पर्सनल जो है राय थी। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसका जो स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मोस्टली जो होता है वो होता है ऑपरेशंस मैनेजर। तो ऑपरेशंस मैनेजर का काम होता है कि इंश्योर करना कि आपका जो ऑपरेशंस है यानी कि जो सपोर्ट है वो जो है ठीक से चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन डाउन नहीं है, जो भी यानी एप्लीकेशन डिप्लॉय की गई थी है उसको जस्ट इंश्योर करना कि एप्लीकेशन ठीक से चल रही है, एप्लीकेशन का डाउन टाइम बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अभी कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है, एसबीआई बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसका डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, उसका डाउन टाइम कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन डाउन होगी तो बेसिकली कस्टमर को रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है, यानी कि अगर जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी एप्लीकेशन जो अगर 2 या 4 घंटे डाउन हो जाती है तो उनको करोड़ों में नुकसान होता है। तो ऑपरेशंस जो टीम है या ऑपरेशंस मैनेजर है वो इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेशन हो उसका डाउन टाइम बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, जीरो अचीव करना तो बहुत मुश्किल है बट कोशिश किया जाता है कि मिनिमम टू मिनिमम हो। और जो मोस्टली जो एप्लीकेशंस वगैरह का जो अप टाइम जो कस्टमर चाहता है वो 99.95 के आसपास के करीब जो है वो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, यानी कि जो ऑपरेशंस टीम है उनको इंश्योर करना होता है कि जो एप्लीकेशन है वो हमेशा चल रही है, प्रॉपरली चल रही है, और कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो कोशिश करो आप उसको प्रोएक्टिवली फिक्स कर दो, या एटलीस्ट अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। तो ऑपरेशंस मैनेजर के अंडर जो होते हैं टीम लीड्स होते हैं, टीम लीड्स का जो काम होता है कि डिफरेंट जो टीम्स बनी हुई हैं उनको हैंडल करना। और इसमें जो टीम का बहुत ही टीम लीड का बहुत ही अहम रोल होता है क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं आपने जैसे जितने भी एप्लीकेशंस आपको मैनेज करने हैं वो डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है एक एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन और उसके बाद जो है सेकंड है वो है मोबाइल एप्लीकेशन, थर्ड है कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, और जो टीम लीड है उसको जो टीम हैंडल करनी होती है वो काफ़ी मिक्स स्किल्स की होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड भी जो होता है वो भी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में आता है, जैसे कि इंश्योर करना आपका सर्वर जो है प्रॉपरली चल रहा है, आपके डेटाबेसिस प्रॉपरली चल रहे हैं, आपका जो स्टोरेज है वो प्रॉपरली चल रहा है, कोई स्टोरेज में इश्यूज नहीं है, कोई नेटवर्क में इशू नहीं है। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल के लिए डिफरेंट टीम्स होती हैं और वो सारी टीम जो है एक टीम लीड को रिपोर्ट कर रही होती है, या ऐसा भी हो सकता है जो मल्टीपल टीम लीड्स हो इस लेयर पे। ठीक है, जो टीम लीड वाली मैं लेयर दिखा रहा हूँ, अब इसके अंडर जो है डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला एप्लीकेशन लीड आ जाएगा जो कि सारे इंश्योर करेगा कि एप्लीकेशन जो है वो अप एंड रनिंग है, वो चाहे वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, आईओएस हो, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन लीड को इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली चल रही है। उसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू इंश्योर जो कि अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे कि आपकी जो एप्लीकेशन चल रही हैं तो उसको इंश्योर करना होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलवेज अवेलेबल, अगर कोई इशू आता है ही ट्राइज टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। अगेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीड है उसके अंदर भी पूरी टीम होती है डिपेंडिंग ऑन द यू नो काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंफ्रा, तो उसके हिसाब से इनके अंदर एक टीम होती है। उसके बाद आ गया प्रोसेस लीड। तो जब आप आईटी ऑपरेशंस में काम कर रहे होते हो तो प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत ही महत्व होता है। तो अगर प्रोसेस की मैं बात करूं प्रोसेस लीड में, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने जैसे कभी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन की होगी तो उसमें कोई एरर आ जाता है, तो एरर आता है तो आप जो है बैंकिंग के कस्टमर सपोर्ट पे आप जो है ईमेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वहां से आपको कोई टिकट नंबर या रेफरेंस नंबर या टोकन नंबर दिया जाता है, फिर आपको उसी टोकन नंबर के हिसाब से आपको अपडेट मिलते रहते हैं। या फिर अगर आपको कभी कॉल करके कस्टमर केयर से पूछना है कि जो मैंने जो कंप्लेंट रेज की थी उसका क्या हुआ, तो उस केस में आप जो है वो रेफरेंस नंबर जो है वो देते हैं।
तो यानी कि आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है, तो वो इंश्योर करना कि जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहे हैं, और जो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस हैं वो सारे जो हैं फॉलो हो रहे हैं, और जो कस्टमर कंप्लेंट्स है वो हैंडल प्रॉपरली की जा रही हैं। तो वो जो सारा काम है वो प्रोसेस लीड का होता है। इसके अंदर जो है बहुत ही इसका बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर डिफरेंट जो डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हो सकता है कभी हम और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप जो है हाई लेवल पे इनकी जो जो स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए। उसके बाद मैंने लिखा है टूल्स लीड। तो टूल्स में इसमें आप जो है टूल्स एंड एप्लीकेशन सब कुछ मान सकते हैं। तो ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल SAP एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जो लीड होता है वो नॉट ओनली जो इनहाउस एप्लीकेशन, जो यानी कि थर्ड पार्टी बने एप्लीकेशन होते हैं, उनका भी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का काम करता है। फिर टूल्स लीड आ गया, जितने भी आपके मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं या जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, अगेन जो है क्योंकि ये टूल आप अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए अगेन एक टूल्स लीड होती है, टू इंश्योर कि जितने भी आपके आईटी जो भी आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम है वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है, प्रॉपरली मैनेज हो रहा है। इन सब चीज़ों को जो करने के लिए जो जो भी डिफरेंट टूल्स होते हैं उन टूल्स को हैंडल करने के लिए टूल्स लीड रखा जाता है। अगेन टूल्स लीड की भी खुद की एक बहुत बड़ी जो है टीम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके एनवायरनमेंट में जो प्रोजेक्ट में कितने जो टूल्स ऑनबोर्डेड हैं। तो ये मोटा मोटा पूरा जो है स्ट्रक्चर था आईटी का। तो होपफुली आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि जो आईटी एप्लीकेशन है या आईटी डेवलपमेंट है या आईटी सपोर्ट है उसमें किस टाइप का काम होता है। अगर कोई आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डालना हो तो बता देना, उसके बारे में फिर मैं अलग से और भी ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आईटी से रिलेटेड कुछ कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।